सो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं भाई इंदौर के, इंदौरी लोगों से मिल चुका हूं फाइनली। कहां पर? वो भी अमरनाथ के अंदर, अमरनाथ जी के बेस कैंप में। सो यहां पर आया था, सारे भंडारे का लाइन लगा हुआ, जिसमें फर्स्ट भंडारा लगा हुआ है इंदौर का। और इंदौर ने ये जो भंडारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, एक इनके तरफ से किया हुआ है, एक कंपनी है जिनका नाम है स्वाहा, और ये एनजीओ भी है ऑर्गेनाइज करते हुए साथ में बेस्ट। और यहाँ पर मुझे कुछ बढ़िया से लोग मिले हुए इसी एनजीओ के, और जिनमें है अंश जी, आपको निधि जी एंड खुशबू जी। सो इनका कुछ मैसेज भी है, देन इनसे मैं कुछ नॉर्मली बेहतर मतलब इनका एक्सपीरियंस वाला कुछ बात भी करना चाहूँगा। सो यार मैं तो जीरो हूँ, एनजीओ के मामले में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। सो मैं जानना चाहूँगा कि एक्चुअली मोटो क्या है, यहाँ पर कैसे पहुँचे, देन यहाँ के लिए इनकी आने वाली फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो अंश जी आपको बताएंगे यार। सो हेलो जी, आई एम अंश शर्मा एंड आई एम फ्रॉम इंदौर। आप अभी आपने सुना ही होगा। सो आई वांटेड टू टेल यू कि दिस इज द फर्स्ट लंगर इन द एंटायर एशिया जो एक मॉडल लंगर है, एंड दिस इज सस्टेनेबिलिटी, लाइक दिस इज सस्टेनेबल लंगर। इधर जीरो फ्यूल, जीरो एलपीजी, कोई भी पोल्यूशन वाला कुछ यूज़ नहीं करते, पूरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बेस्ड है, लाइक सनलाइट हो गया, बायोगैस, एंड वी हैव बैकअप ऑल्सो, लाइक सन सोलार पैनल्स, इससे ही हम कुक कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंदौर क्या बोलते हैं उसे, इंदौर का जो नया फर्स्ट लंगर इधर खुला है, इनॉग्रेटेड फर्स्ट लंगर। क्या? सो आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दिस। इधर हम हैं अभी बालटाल में, बालटाल श्रीनगर से थोड़ा आगे है, एंड द पल्यूशन ईयर, द वेस्ट ईयर इज एट अनदर लेवल, एंड वॉट वी वॉन्टेड टू डू इज वी वॉन्टेड टू कंट्रोल दिस। We wanted to control all the waste, we wanted to control all the pollution which is emitted by the langars and the people who are coming, yatris, basically yatris. So mera message ye hai, first of all message ke bare mein batau, hum puri yatra ko zero waste banana chahte hain. Zero waste means zero kachra, zero pollution. To iske liye humne initiatives bhi liye hain, segregation boxes, segregation dustbins, jisme sukha kachra lag jata hai, geela kachra lag jata hai. And for those who doesn't know about the sukha and gila, those are basically inorganic waste and organic waste. Yeah. So sukha mein aa jayega apna jo apan kha nahi sakte, inorganic plastics, tetra packs, etc., etc. And gile kachre mein hum jo khadya pradarth rehte hain, like the eatables, the onion peels, the things that are biodegradable, like they can degrade at the point of time. सो हम इसके लिए सेग्रीगेटेड बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, एंड यस वी वॉन्टेड टू मेक दिस यात्रा मेमोरेबल फॉर पीपल, क्योंकि एक्चुअली हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं इस यात्रा को वेस्ट फ्री बनाने के लिए, एंड या सो दिस वॉज द मैसेज कि आप कचरा ना फैलाएं, आप कचरे को अपने अपनी अपनी जगह रखें, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग। Just because I'm Indori, I'm not saying this because आपको मैं इस चीज़ में एजुकेट करना चाहता हूँ कि ये अपना ही घर है, इंडिया अपना घर है, एंड वी डोंट वॉन्ट स्प्रेड वेस्ट हियर एंड देयर, बिकॉज आप अपने घर में कचरा नहीं फैलाएंगे कभी भी। सो बॉटल वाला ओके ओके। कहने का मतलब मेरा ये है, इनका मतलब यही है लास्ट कि भाई इंदौर जो है ना लास्ट 6 साल से नंबर 1 है स्वच्छ भारत अभियान में, कि ओनली इंदौर को नहीं रहने देंगे, पूरी इंडिया को बनाएंगे। भाई बात समझ में आई? तो सारे लोग समझ जाना, कहीं पर भी जाओ पूरे ऑल ओवर इंडिया में भाई साहब, तो हम इंदौर को नहीं पूरे इंडिया को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, ये बेस्ट है। नॉर्मली कहने का मतलब यही है ना, शॉर्ट एंड स्वीट में, या शॉर्ट एंड स्वीट, वेस्ट मत करो एंड वेस्ट मत फैलाओ। एंड अबाउट द ट्रिप, अगर आपके पास कोई बॉटल्स भी हैं, आप कोई बॉटल कैरी कर रहे हैं, तो उसमें अपना पूरा वेस्ट डाल सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट कैन बी टफ, इट कैन बी डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आप कोई अपना दिमाग लगा के अपना वेस्ट अपने पास ही रखें, एंड ले जाते टाइम अपना वेस्ट अपने साथ कैरी करें,
ताकि ये जितनी भी नदियां हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जितना ग्लेशियर पिघल रहा है अभी, वो ना हो एंड इट मेक ऑल कम टू अ नेचुरल स्टेट. या सो अबाउट द ट्रिप वी हैव, यस लेट्स गो टू अ जर्नी. वी हैव फर्स्ट द बेस कैंप बालटाल, इधर से जर्नी चालू होती है एंड फर्स्ट जो स्टॉप आता है डोमेल. इट इज अ बेसिक बेसिक ट्रैवल, लाइक कोई भी जा सकता है एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. नेक्स्ट आता है रेलपत्री. इट कैन बी डिफिकल्ट एंड कैन बी नॉट इफ पीपल लाइक राम पवार जी आर क्लाइंबिंग दोज. मुझे नहीं लगता उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल है या फिर कुछ डिफिकल्ट है, बट थोड़ा सा हाँ रेलपत्री तक जाने का रास्ता टफ है. देन बरारी टॉप, या द मेन थिंग, मेन जर्नी, द मेन डिफिकल्ट पॉइंट बरारी टॉप. उस तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत लगनी पड़ती है. एंड देन उसके बाद आते हैं उनके मेजर ट्रिप रहती है, आती है काली माता पे. काली माता से आप जाएंगे तो बहुत ही इजी वे है एंड अगर आप संगम डाउन उतर गए तो आप अपने मसल्स को आप रिलैक्स बिल्कुल नहीं कर सकते. जितना इजी ये साउंड होता है कि आप नीचे जाएंगे संगम डाउन पे, डाउन तो बस नाम है, आपको फिर जो ऊपर चढ़ना रहेगा. आई डोंट थिंक अ नॉर्मल मैन कैन डू इट. एंड देन या फाइनली द होली केव, द श्राइन, बर्फानी बाबा, आपको उनके दर्शन होंगे, उधर प्रसाद मिलेगा एंड द ट्रिप एंड्स. आप वापस आओ. पहलगाम का रूट बहुत ही अच्छा है. आप पहलगाम से जाएंगे तो इट इज़ लिटरली कॉल्ड द हेवन, जन्नत. तो पहलगाम के रूट से आपको खैर 2 दिन लग सकते हैं जाने में. ट्राई करिए दोनों रूट से जाने का एंड या हियर बस. वी विश यू ऑल द बेस्ट टू योर जर्नी एंड टू राम सर्स जर्नी, जो वो चैलेंज कर रहे हैं अभी एंड जो वो अभी जितनी भी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनका सहयोग करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, आगे की जर्नी उनकी अच्छी रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर जो इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए आप लोगों का. और यार ऑलवियसली यार मैं तो यही बोलूँगा कि ओनली फॉर अमरनाथ नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप जाओ ना, तो सबसे पहले जितना भी अपने पास का कचरा है अपने पास रखो, जहाँ पर भी आपको डस्टबिन मिले वहाँ पर डालो, बेस्ट रहेगा आपके लिए. और ऑलवियसली यार अमरनाथ जी अपने लिए इतने बेस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, जन्नत है, तो इसको जन्नत ही रहने दो. आज ही नहीं, आने वाले सालों साल तक हमारे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ भी है जो यहाँ पर आए, वो सेम फील ये जो हम लेने वाले हैं वो उनको भी मिले, तो आपके लिए बेटर रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच यार. फाइनली हम पहुंच चुके हैं किचन में और किचन के ओके. सो खुशबू जी हमें बताएंगे कैसे खाना कुक होता है यहाँ पर इंदौरी स्टाइल में. ओके बायोगैस है इस पे हम लोगों का खाना कुक होता है. और ये हमारी भट्टी है, इलेक्ट्रिक भट्टी है. अच्छा. तो यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ पे खाना बनता है. बाकी सोलर हमारा पीछे, हम पीछे चल सकते हैं. सो फाइनली पहुंच चुका मैं बैक साइड में और जहाँ पर ये कैंप लगा और कैंप के बैक साइड में कुछ ऐसा फाइनली सेटअप किया हुआ है सौर ऊर्जा के लिए. ये पूरा सेटअप है जिसमें
पूरा ये सौर ऊर्जा के लिए लगा हुआ है। देन इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये पूरा बायोगैस के लिए, जो फिर इसके लिए जो व्यवस्थाएं करते हैं वो कैसे करते हैं? आता है सर। अच्छा, ये कहाँ से आता है? हमारे यहाँ जितना भी हम वेस्ट मैनेजमेंट वाले, हाँ उसी को यूज करते हैं। ओके, अब समझ में आया भाई वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर कैसे होता है। इस यात्रा को हमें जीरो वेस्ट मैनेजमेंट बनाना है कि इस यात्रा में जीरो वेस्ट हो। अच्छा जी, ये हमारा पूरा टारगेट है। लास्ट टाइम जो कचरा निकला था वो मिलियंस एंड टन में निकला था, 480 मिलियंस एंड समथिंग। क्या बात है, इतना गाइड करने के बाद भी इस बार बता कि वो थोड़ा सा कम हो सके, लोग एजुकेट हो सके। इसलिए हम सबको एजुकेट करेंगे। कलेक्ट कैसे करते हैं आप? हमारी पूरी टीम रहती है, ऐसे 300-400 लोग ही हमारी टीम है। अच्छा जी जी, तो वो पूरा टॉप टू डाउन हमारे 13-14 कैंप्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, पहलगाम वाले यात्रा से बालडाल से। अच्छा, तो वो पूरा यहीं पर आता है? अलग अलग जगह जाता है, हर चेक पोस्ट पे चीजें हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर मशीनरी है, ऑटोमेटिक वाली, मैनुअल मशीन है। ओके, ये सारी चीजें हैं। ओह अच्छा यार, मुझे लगा था ओनली फॉर यहीं पर, ऐसा नहीं है भाई, पूरी अमरनाथ यात्रा में चाहे वो पहलगाम वाले रूट पर हो चाहे वह ये बालटाल वाली रूट पर हो, दोनों जगह पर पूरी व्यवस्था करके रखी है वेस्ट मैनेजमेंट की। और यहाँ पर आगे हम देखेंगे, ये तो है बायोगैस वाला, साथ में एक और सिस्टम यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिससे भी एनर्जी कलेक्ट करके और उसे कुक किया जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है इसके पीछे जो रास्ता जा रहा है, शायद आप देख पाए हैं ना भाई, ये लेह लद्दाख का रास्ता है। अच्छा, पूरा ऊपर पहाड़ के ये वाला ना थ्री लेयर्स होते हैं, वो लेह लद्दाख भी ये ही निकलते हैं। ओहो, ओके। तो बालटाल से रह के वो एक खूबसूरती देखना, और इधर पहाड़ है, बाबा है, और आप देखिए मून, मतलब एवरी सिंगल डे हम लोगों को जो यहाँ के नजारे मिलते हैं ना, बहुत अलग होते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसे सर की जर्नी है कि वो वी कांट एक्सप्लेन लाइक हम लोगों के लिए। और यहाँ पे हम तो सेवा दे रहे हैं अपना, एक डेढ़ महीना हम यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी इट्स लाइक प्योर। भाई साहब, इन चीजों को मुंह से बयान नहीं किया जा सकता, दिल से फील किया जा सकता है। जैसे मैम कर रहा, मैं तो कर ही रहा। बस अपने इन्वायरमेंट के लिए छोटे छोटे इनिशिएटिव खुद से लेना स्टार्ट कीजिए ताकि हम सब खुश रह पाए। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड दिस टाइप ऑफ गाइडिंग। एंड जरूर यार, आप लोगों को भी सबको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सो थैंक यू मैम, एंड देन ऑल्सो मैम। सो फाइनली इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं, एंड आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। सो लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, ताकि जो भी अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं ना भाई, वो बिंदास होकर यहाँ पर पहुँच पाए। सो फाइनली करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, जब तक के लिए बाय बाय।